ईशान चौहान इज हियर। जैसे कि आपने देखा पहले हम लोग ने पुलअप्स मारा, फिर डिप्स मारा, फिर चेस्ट का एक चेस्ट मारा जो मिड चेस्ट बोलते हैं, और फिर अपर चेस्ट मारा। तो हर एक सेट अपने को 15-15 के 3 रेप्स मारने हैं, मेरे पहले वीडियो में भी आपको पता ही होगा। और फिर ये जैसे कि आप देख सकते हो फायर गार्डन है ओपन जिम में। ये ऐसे जिम मुंबई में बहुत जगह पे, जैसे कि माहिम हो गया, दादर हो गया। और सॉरी गाइस, मैं हफ्ते हफ्ते में वीडियो डालना भूल काम आ गया था, उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो ये 20 डेज का वर्कआउट है, मतलब फर्स्ट से लेके 20 डेज तक कितना भी मेरा ग्रो हुआ है। मेरे ख्याल से कि एक मंथ काफ़ी, अभी तो टाइम है, 10 दिन और बाकी है। 10 दिन के बाद देखते हैं और कितना कवर अप होता है। तो सॉरी फॉर दैट कि हफ्ते हफ्ते में वीडियो डाल नहीं पाया। और बाकी का आप देखोगे तो और मैं बताने वाला हूँ। लोअर चेस्ट भी है और फिर बाइसेप वगैरह। अब आज हम मिक्स वर्कआउट कर रहे हैं, फुल बॉडी वर्कआउट, जैसे चेस्ट हो गया, लेग्स हो गया, एब्स एंड बाइसेप्स, ऑल थिंग्स मिक्स इन दिस। तो सॉरी मेरे हफ्ते में वीडियोस नहीं आ पाए, तो हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम के हफ्ते हफ्ते में भी डालने का कोशिश करेंगे। बहुत सब काम भी, दूसरा सब है वगैरह एंड ऑल, तो उसके लिए वीडियोज़ आ नहीं पाए मेरे। और बाकी का मैं बाद में आपको बताता हूँ। हर एक सेट के 15-15 रैप्स मारने हैं, समझ गए ना आप। थैंक यू। वर्कआउट अपना ख़त्म हुआ है यहाँ पे। मेरा यही मोटो था कि फायर गार्डन ओपन जिम, अगर जिम वगैरह बन जाएगा तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। इफ़ एनी मैरिज फंक्शन इज़ देयर और समथिंग इज़ देयर, तो कोई टेंशन नहीं है कि हम जिम में वर्कआउट कर सकते हैं तो ही बॉडी बनती है। ऐसे ओपन जिम्स फायर गार्डन में बहुत सारे हैं, जहाँ पर आप लोग फ्रीली यू हैव इन्वाइटेड फॉर वर्कआउट। गाइज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इंस्टा पे भी फॉलो करो, ट्विटर पे भी फॉलो करो, फेसबुक पे भी है, इट्स मी दिलशान चौहान, MEZILSHANCHAUHAN। बस यही मेरा यूट्यूब पे भी है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छा लगे। और गाइस कमेंट करना मत भूलना, आपका कमेंट मेरे लिए मायने रखता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।